बात स्पेशली मेंशन करता हूँ, हालांकि वीडियो सबके लिए होती है, बट मैं मेंशन करता हूँ कि यार जो एवरेज स्टूडेंट है वो तो सीखे ही सीखे, टॉपर तो सीखेगा ही सही, साथ में जो एवरेज है वो भी सीखे। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरस्का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा टॉप कमेंट्स का एपिसोड है ना, जो कि काफ़ी दिन बाद टॉप कमेंट्स का एपिसोड आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो हम ट्राई करेंगे इसको हर संडे को लाने का ट्राई करेंगे, जिसमें मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स जो रहते हैं उसको लूँगा, कुछ सवाल कुछ जवाब जो आपके क्वेरीज जो है जिसको मैं वीडियो में आंसर करूँगा, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कमेंट है वो है मरुषिका शुक्ला का। मरुषिका कह रही है, दिस वॉज रिक्वायर्ड कॉज माई नेगेटिव थाट्स वर गेटिंग एम्पलीफाइड अ लॉट अराउंड मी, थैंक यू सो मच अंजलि मैम। तो ये जो हमारी बायोलॉजी के लिए जो मैम है अंजलि तिवारी मैम, उनके वीडियो पे कमेंट आया है, जो उन्होंने एक मोटिवेशनल छोटी सी एक वीडियो डाली थी। सो थैंक यू सो मच मरुषिका फ्रॉम हर साइड एज वेल। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो भी बच्चे वो वीडियो नहीं देखे जाके देखो, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट हमारे पास में है नियामुद्दीन का। नियामुद्दीन हमारे पुराने सब्सक्राइबर है, काफी दो तीन साल पुराने सब्सक्राइबर हैं। कह रहे हैं, बिफोर आई वॉच दिस वीडियो आई मस्ट से एआर इज अ बीस्ट। थैंक यू सो मच यार, एआर इज अ बीस्ट ओनली बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू, कि आप लोगों के वजह से जो मोटिवेशन मिलता है और जो एक काम करने की एनर्जी आती है उसमें सब क्रेडिट आप लोगों का ही है, ठीक है। सो थर्ड कमेंट हमारे पास में मर्षिका शुक्ला का, अगेन कंग्रेचुलेशन सर, सर आपने तो वॉचेस को राखी या फ्रेंडशिप बैंड की तरह पहना है, जस्ट जोकिंग, ये आपके हार्डवर्क का नतीजा है एंड दिस इंस्पायर्स मी अ लॉट टू डू वे बेटर इन लाइफ। तो जो मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिया था कि यार मैंने चार घड़ी एक साथ खरीद ली, जिसमें से एक मैंने यहाँ पर पहन रखी है, ठीक है, एक यहाँ पर पड़ा है, ठीक है, और भी यहाँ पे पड़े हैं, मतलब और एक यहाँ पे पड़ा है, तो यहाँ पे तीन चार घड़ी पड़ी है, तो मैं इसको राउंड राउंड में पहनता रहता हूँ, जब जो मर्जी पहनता रहता हूँ, ठीक है। तो उसी पे वीडियो है, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट, उसमें भी एक मैसेज था जो कि शो ऑफ वाला मैसेज नहीं था, एक कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशनल मैसेज थी, जो रीज़न था मेरा कि मैंने चार घड़ी क्यों खरीदी और कितने सालों बाद खरीदी, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर से आप लोग जाके देख सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है देवोजीत का, स्टिल नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दिस चैनल डजंट ग्रोइंग, ठीक है, ये चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, देवजीत का सवाल। और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा कि चैनल पे आप देख रहे हो अभी कंटेंट आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि जो चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स है, हालांकि कंटेंट आपको चार पाँच साल हो गए मैं कंटेंट डाल रहा हूँ इस चैनल पे, बट सब्सक्राइबर्स जो है वो उसकी जो ग्रोथ है वो एक बार के लिए रुक गई थी कुछ एक दो साल। उसका रीज़न ये था कि अगर कोई क्रिएटर ये सोच ले कि भाई यूट्यूब तो मेरे बाप का है, मैं वीडियो डालूँ नहीं डालूँ यूट्यूब तो मेरी मदद करता ही रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। और मैंने जो है एक्चुअली मेरी गलती है कि मैंने यूट्यूब पर कंसिस्टेंट नहीं था मैं, तो आप देखोगे जो मेरा फेस था 2017-2018 वाला वो काफ़ी ज़्यादा एक एक्टिव फेस था, उसके बाद में 19-20 में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाली है, जिसके वजह से क्या होता है यूट्यूब का भी जो एल्गोरिदम होता है वो भी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, ऐसे चैनल्स को जो कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं डाल रहे हैं। तो अब 2021 में मैं वापस से कंसिस्टेंटली वीडियोस डाल रहा हूं, तो आप देख सकते हो अभी पिछले कुछ 15-20 दिनों में हमारे लगभग 800 से 1000 सब्सक्राइबर्स जो है बढ़े हैं, 52K से 53K हो गए हैं, एंड अब जो ये जो रेट है सब्सक्राइबर्स बढ़ने का ये वापस से थोड़ा जो है अच्छा हो चुका है, अगर मैं कंसिस्टेंटली काम करूंगा, ठीक है, अपने है ना वही मतलब है ना फॉर ग्रांटेड अगर मैं नहीं लूँगा तो चैनल डेफिनेटली ग्रो होगा, क्योंकि कंटेंट अच्छा है, आप लोगों को पसंद आता है, एक एंगेजमेंट अच्छा है हमारा आपके बीच में, तो चैनल ग्रो कर लेगा, बट उसमें मेरी गलती थी जिसकी वजह से चैनल जो है वो उतना ग्रो नहीं कर पाया था, है ना, एंड जो ग्रोथ है वो एकदम से रुक गई थी, बट अब वो वापस से एक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास में सुदीक्षा का। सुदीक्षा कह रही है, डैट्स वाई ऑलवेज से सिंगल लाइफ इज द बेस्ट, बाकी थंबनेल में अच्छे दिख रहे हो आप, ठीक है, ये चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करता कि सिंगल लाइफ इज़ ऑलवेज द बेस्ट, ये वो ये सारे चीज़ें जो है मैं बिलीव नहीं करता, ठीक है, ये मेरे को लगता है कि एक वो बन गया है कि लड़कों का हो गया सख्त लौंडे हम तो, और लड़कियों का हो गया हमें तो सिंगल रहना है वही बेस्ट है, बट ऐसा होता नहीं है। जब आप रिलेशनशिप में आते हो और अच्छे इंसान के साथ आते हो, यू हैव टू चूज़ द राइट पर्सन, तो आपको रिलेशनशिप वाली जो लाइफ होती है वो भी बेटर लगती है, बट एट नॉट एट दिस एज, अभी आप लोग का पढ़ाई करने का टाइम है, मैं फ्यूचर की लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप हम सब पैदा हुए हैं क्यों, क्योंकि हमारे मम्मी पापा जो है वो शादी करे फिर हम लोग पैदा हुए, सो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिंगल लाइफ इज़ बेस्ट और सारी ज़िंदगी फिर आप सिंगल रह के दिखाओ, ठीक है, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं किसी के साथ में रहने का मन भी होता है, रहना भी पड़ता है कई बार, राइट। और थंबनेल में जो कह रहे हो कि आप अच्छे दिख रहे हो, थैंक यू सो मच यार, ये वो वैलेंटाइंस डे वाली वीडियो की कमेंट सेक्शन का कमेंट है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था अपनी पूरी की पूरी रिलेशनशिप स्टोरी, सो थैंक यू सो मच यार फॉर अप्रिशिएटिंग, एंड वो वीडियो भी जिन लोगों ने नहीं देखी जाके देख लो, नीचे कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर दूंगा, टॉप कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट है दुर्गेश, अपनी खुशी अपने हाथों में होती है, आत्मनिर्भर बनो,
यार अपनी खुशी अपने हाथों में नहीं होती है, उसे एक डेस्परेशन कहते हैं, उसे एक गरीबी में आटा गीला वाली बात कहते हैं, और जब इंसान के पास कुछ हो ना तो फिर वो एक ज़बरदस्ती वाली चीज़ होती है। तो ये चीज़ को एकदम वो मत कर लो कि अपनी खुशी अपने हाथों में होती है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये आपकी मजबूरी है, ठीक है। एनीवेज और यार ये थोड़ा अपनी सोच को बढ़ा लो, तुम लोग क्या करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में अनुज, अनुज कह रहा है एक होता है ऑल राइट और एक होता है आयुष भैया का ऑल राइट गजब, हैप्पी वैलेंटाइंस डे आपको और जो भी पढ़ रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यार अनुज, ठीक है, इस कमेंट के लिए, और आप सभी को ये ऑल राइट बहुत पसंद आता है, तो मैं एक बार आप लोगों के लिए ऑल राइट अभी यहाँ पे बोल देता हूँ, ऑल राइट, ठीक है। सो ये अब एक काइंड ऑफ एक आइडेंटिटी बन चुकी है ऑल राइट की, जो कि मेरा इंट्रोडक्शन होता है हर वीडियो का। नेक्स्ट हमारे पास में कमेंट है नैना सिंह का, नैना सिंह कह रही है एट द एंड वन ग्रोज, सो इफ यू आर सिंगल और कमिटेड और व्हाट सो एवर जस्ट सी द गुड साइड ऑफ इट। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सिंगल हो, कमिटेड हो, अकेले हो, ठीक है, खुशी हाथ में है आपके या फिर पैर में है, ठीक है, एट द एंड यू ग्रो आउट ऑफ इट, एंड लाइफ में जो भी होता है उससे आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखना है, एंड यू हैव टू एंजॉय एवरी डे ऑफ योर लाइफ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी कमेंट है, जेई एस्पिरेंट ने कहा है स्ट्रगल प्लस गर्लफ्रेंड्स प्लस आईआईटी क्रैक आपके लाइफ पे शॉर्ट फिल्म बनना चाहिए। सो थैंक यू सो मच यार, ठीक है, बट ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि बहुतों के लाइफ में स्ट्रगल होता है, बहुतों के लाइफ में गर्लफ्रेंड होती है और बहुत आईआईटी क्रैक करते हैं। अगर आपको स्टोरी बनानी है, ठीक है, स्टोरी किस चीज़ पे बननी चाहिए, स्टोरी इस चीज़ पे बननी चाहिए कि मैं आईआईटी क्रैक करा और फिर मैं इंडिया के बेस्ट एनआईटी जो एनआईटी त्रिची है वहाँ पर मैंने एडमिशन ली, और थर्ड ईयर में मैंने वो कॉलेज ड्रॉप आउट किया, ठीक है, एंड मैंने एक साल के अंदर अंदर इतनी फाइनेंशियल ग्रोथ कर ली अपनी जितने उस कॉलेज के जो टॉपर्स है वो अगले 4-5 सालों में करने वाले हैं। तो स्टोरी बननी है तो इस चीज़ पर बननी चाहिए, आईआईटी क्रैक तो हर कोई करता है, लेकिन कॉलेज ड्रॉप करने के बाद में लाइफ को अच्छा बनाना, ठीक है, और कॉलेज ड्रॉप करने के पहले भी लाइफ अच्छी बन चुकी थी, तो एक वो जो चीज़ है उस पर मेरे को लगता है ज़्यादा एक इंस्पिरेशनल शॉर्ट फिल्म बनेगी यार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे जिया सिन्हा का कमेंट है, पूरी नोटिफिकेशन सेक्शन आपके वीडियोस से भरी हुई है, कंसिस्टेंसी ओपी। तो आपके जो यूट्यूब में नोटिफिकेशंस होते हैं उसमें आपको अभी इन दिनों है ना मेरे ही नोटिफिकेशंस आपको मिल रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस डाल रहा हूँ। तो ऐसा 2017-18 में होता था जब मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था यूट्यूब में, और उस टाइम पे भी मेरा चैनल ग्रो हुआ था, और अभी भी मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस डाल रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है यार, यू हैव टू, आपको प्लेटफॉर्म के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे यूट्यूब के लिए कुछ करना पड़ेगा, तब यूट्यूब मेरे चैनल को जो है प्रमोट करेगा एंड जो है उसको रीच कराएगा और ऑडियंस तक। सो दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग एंड आई एम राइट नाउ वेरी वेरी मोटिवेटेड फॉर दिस थिंग, एंड मेरे अंदर एक अलग ही जो एक एनर्जी है वो चल रही है यूट्यूब को लेके, जो आप लोग देख ही सकते हो पूरे के पूरे चैनल में रिसेंट वीडियोज़ में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में कमेंट है नक्षत्र का, कह रहे हैं थैंक यू सर यू मेक वीडियोज़ फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स नॉट फॉर सो कॉल्ड टॉपर्स, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच यार। हालांकि मैं वीडियो सबके लिए बनाता हूँ, एवरेज स्टूडेंट्स हो चाहे टॉपर्स हो सबके लिए बनाता हूँ, बट मैं ये बात बोलता हूँ कि मैं एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं वो बचपन से देख रहे हैं, वो क्लास 10th में थे तब से वो पेपर में देख रहे हैं टॉपरों का चेहरा, उनके मम्मी पापा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं, कोई ध्यान नहीं देता ना कोचिंग में ना कहीं पे, उन टॉपर्स बच्चों पे ध्यान दिया जाता है क्योंकि वो जो है रिजल्ट निकालते हैं। तो इसलिए मैं ये बात स्पेशली मेंशन करता हूँ, हालांकि वीडियो सबके लिए होती है, बट मैं मेंशन करता हूँ कि यार जो एवरेज स्टूडेंट है वो तो सीखे ही सीखे, टॉपर तो सीखेगा ही सही, साथ में जो एवरेज है वो भी सीखे। साहिल कुमार ने कहा आई डोंट नो वाई बट जैसे आप अपनी हर वीडियो में समझाते हो वो मुझे बिल्कुल स्ट्राइक कर देता है ब्रेन में। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि मैं बहुत ही एक फील के साथ समझाता हूँ और ऐसे समझाता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो। अभी भी आप ये, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कमरे में कोई भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोग जो जिनके मैं कमेंट्स रीड कर रहा हूँ सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए। तो जब मैं ये चीज़ इमेजिन करता हूँ तो मैं उतने अच्छे से बात कर पाता हूँ जैसे कि मैं रियल लाइफ में आपके साथ जो बात कर पाऊंगा, इसलिए वो चीज़ एकदम आपके ब्रेन में, भले ही वो डिजिटल मीडिया के थ्रू है लेकिन वो आपके ब्रेन में जो है वो फिट हो जाती है। चिराग कह रहे हैं मैंने आज सुबह गलत तरीके से कर दिया, चले गए, रिजेक्ट हो गया। तो ये थंब इंप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग जो है थंब इंप्रेशन नॉर्मल तरीके से कर देते हैं, मैंने आपको रोल वाला तरीका सिखाया है, मेरी बात सुनो, आप अगर नॉर्मल तरीके से भी करना चाहते हो या फिर कर चुके हो कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, 99% लोग नॉर्मल तरीके से ही करते हैं और उनका रिजेक्ट नहीं होता है, वो एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको मेरा तरीका पसंद आए, रोल वाला तरीका ज़्यादा बेटर लगे, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो, एट योर ओन चॉइस। आप नॉर्मल वाला तरीका यूज़ करो, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे नॉर्मल तरीके से ही करते हैं, जो कि कोई गलत भी नहीं है, नॉर्मल तरीका आप यूज़ करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षित भाई कह रहे हैं सर ये स्लीव्स ऊपर रख के ज़्यादा सही लगते हो, थैंक यू सो मच हर्षित भाई, आपके लिए मैं स्लीव्स को जो है थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ अभी, ठीक है, जब ऐसे ज़्यादा सही रखते हैं तो ऐसे ही करें ना,
थैंक यू सो मच यार। बाकी हाँ ये मुझे भी अच्छा लगता है, ये थोड़ा अच्छा लगता है ठीक है, और साथ में अभी वॉच और ब्रेसलेट्स मैंने पहन लिए तो ये स्लीव ऊपर करके थोड़ा ज़्यादा ही बेटर लगता है। बाकी मेरे बाल को थोड़ा इग्नोर करना ठीक है, ये बार बार नीचे आए जा रहा है आज। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास में कमेंट है निर्विक भाई का। निर्विक भाई हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर है। आयुष भाई ऐसे ही वीडियो बनाते रहना, मोटिवेशन मिलता है। लव फ्रॉम MBBS स्टूडेंट एट बांकुरा मेडिकल कॉलेज। सो थैंक यू सो मच यार निर्विक भाई, मुझे याद है आप कमेंट्स करते थे 2017-2018 में, एंड निर्विक भाई हैज सीन द स्ट्रगल जो मैंने उस टाइम पे करा है चैनल को लेकर के ठीक है। एजुकेशन मस्ती का जो कमेंट है वो ये, आई एम इन डिप्रेशन कॉज ऑफ जेई मेंस बट आफ्टर सीइंग योर वीडियो इट गिव मी सम रिलीफ सो थैंक्स मैम। ये भी अंजलि मैम के कमेंट उसमें ही कमेंट है कि बच्चा जो है वो जेई मेन की तैयारी के लिए डिप्रेशन में था और काफ़ी उसकी प्रिपरेशन नाम ही है चैनल का एजुकेशन मस्ती, तो मस्ती में था तो पढ़ाई वढ़ाई हो ही नहीं होगी, तो अभी वो थोड़ा डिप्रेशन में था तो उसको वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेशन मिला है। सो मैं सारे वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिन भी वीडियोस से मैंने कमेंट्स लिए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है ज़्यादा वो सब मैं डाल दूंगा, जैसे अंजलि मैम की मोटिवेशन वाली वीडियो, वैलेंटाइन वाली वीडियो और ये सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा ताकि आप लोग उन वीडियोस को जाकर के देख पाओ जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है रेलेवेंट जिसमें आपको दिख रहे हैं कमेंट्स ठीक है। सो आई होप आपके टॉप कमेंट्स का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगले संडे फिर से लाएंगे टॉप कमेंट्स, इस वीक करते रहो चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट्स, और जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स होंगे, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको मैं पिक करूंगा एंड अगले संडे टॉप कमेंट्स में फिर से उनको ले करके उसका आंसर करूंगा ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है, आई होप आपको पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, थोड़ा मजा आया होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।